हेलो दोस्तों, तो चलिए इसकी इस क्लास में आज बात करते हैं हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि चाइना और हमारे देश के बीच जब से झड़प हुई है तो कई आर्टिकल आपके इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित ही लिखे जा रहे हैं। तो जो भी करें मजबूती से करें। इसके संपादक हैं डॉक्टर सीपी राय, लेखक हैं, स्वतंत्र राजनीतिक चिंतक हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी रहते हैं। तो एक बात आप लोग देख लीजिए, कहाँ आखिर आपका ये मुद्दा छिड़ा हुआ है, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, नेपाल। देखिए, ये आपका एशिया में देश है हमारा भारत, इसमें आपने श्रीलंका से इसकी सीमा लगी हुई है। ये सीमा नहीं लगी हुई, याद रखिए, मन्नार पाक की खाड़ी के द्वारा ये अलग होता है, पाक जलडमरू द्वारा मन्नार की खाड़ी। देखिए, यहाँ देख ही लीजिए आप लोग, देखिए कोलंबो इसकी राजधानी हो गई। ए रामेश्वरम शहर हो गया जापना। ए आप देखिए पाक जलडमरू, ठीक है, या आपकी गोलपाव मन्नार, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, इसके द्वारा अलग है। फिर आपका यहाँ देखते हैं आप लोग कि आपका म्यांमार लगा हुआ है हमारी सीमा, पूर्वी राज्यों की। ये बांग्लादेश है, सबसे ज़्यादा सीमा हमारी बांग्लादेश से लगी हुई है। भूटान है आपका, ठीक है, नेपाल है, ये आपका चाइना है, ठीक है, और ये है आपका पाकिस्तान। तो याद रखिए, जब से हमारा जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया है 370 हटा की धारा, तब से मुद्दा कुछ ज़्यादा ही चर्चा में बना हुआ है और विवाद छिड़ा हुआ है, क्योंकि आपने देखा एक नया मैप्स हमारे देश का लॉन्च हुआ है। तो उसमें हमारा अक्साई चीन हमारे अंदर है, वो पीओके वाला सभी हिस्सा हमारे पास ही है। और यहाँ आपने देखा है कि जो नेपाल का है, यहाँ डिस्प्यूट एरिया है उत्तराखंड के पास, तो इसमें भी नेपाल ने आपत्ति जताई हो। नेपाल ने अपने देश में इस क्षेत्र को बताया है। और अभी जो चीन से आपकी झड़प चल रही है, ये अक्साई चीन के ही यहाँ लद्दाख के क्षेत्र में चल रही है। पाकिस्तान की आप बोल ही नहीं सकते, पाकिस्तान की तो हमारी सीमा राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर से लगती है, और यहाँ आपका पीओके वाला हिस्सा है, ठीक है, जिसे आप लद्दाख में माना गया है। तो यहाँ लेकर ये तो हमेशा अपना आतंकी संगठन फैलाए रहता है, ठीक है, तो इन्हीं की बात की जा रही है। तो इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है उस पर चर्चा करने वाले हैं। याद रखिए, ये सभी शब्द आपके डॉक्टर सीपी राय साहब के हैं, इसमें ना तो मेरे कोई शब्द हैं ना ही आपकी। तो याद रखिए, जो मैं बता रहा हूँ कि सरकार के जो पक्ष में लेखक होते हैं वो सरकार की तरफ से लिखते हैं, सरकार के पक्ष में लिखते हैं, और जो सरकार के विरोध में होते हैं वो सरकार के विरोध में लिखते हैं। तो हम दोनों को बीच का बैलेंस बनाकर अच्छाइयाँ निकाल लें जो आंसर राइटिंग के लिए जरूरी हो सके, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि ना तो हम नकारात्मक लिख सकते हैं और ना ही सकारात्मक सकारात्मक तक लिख सकते हैं। तो एक बैलेंस बनाकर हमें लिखना है, तो उसी के लिए हमें पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो क्या लिख रहे हैं इसमें, चीन, नेपाल और पाकिस्तान तीनों मोर्चों को एक साथ खोले रखना ठीक नहीं है भारत के लिए। अंधे होकर अमेरिका की गोद में बैठ जाना भी ठीक नहीं है। इस चक्कर में विश्वसनीय दोस्त रहे रूस को दूर कर देना भी ठीक नहीं होगा, और ना ही ईरान के साथ संबंधों में परिवर्तन। आसपास के बहुत से देश तबाह हैं, तो मजबूत दिखने वाले देश भी अंदर से आज खोखले हैं। आज अमेरिका को आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा महामारी का प्रभाव अमेरिका में ही देखा गया है, पूरी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था हिल चुकी है अमेरिका की, समझ रहे हैं। और हमारा 1971 में आपने देखा है, जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो उस समय पाकिस्तान का साथ अमेरिका दे रहा था और हमारा साथ रूस ही था। तो आज हम देखिए स्थिति वो बिगड़ चुकी है कि अमेरिका हमारी तरफ झुक रहा है और पाकिस्तान की तरफ रूस बढ़ता जा रहा है। रूस के और पाकिस्तान के संबंध अच्छे होते जा रहे हैं। एक बात तो हमेशा याद रखिए, कोई भी देश किसी का अच्छा दोस्त नहीं होता है, वो अपने मतलब के लिए दोस्ती करता है और निकल जाता है। जैसे आज हमारे अमेरिका से, अमेरिका के लिए हम लोग जरूरी हैं, क्योंकि चीन को अगर प्रतिस्थापित करना है यानी कि महाशक्ति बनने से रोकना है, तो अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ेगी। दक्षिण चीन सागर के लिए आप समझ सकते हैं कि बिना भारत के अमेरिका कुछ नहीं उखाड़ सकता है, इसलिए अमेरिका भारत का पक्षवर बन रहा है। लेकिन हमें भरोसा नहीं करना है कि अमेरिका हमारा हर समय साथ देगा। हम सोचें कि चीन से युद्ध हो तो अमेरिका 100% हमारे साथ है, ये बिल्कुल नहीं।
हमें अपनी खुद की दम पर खड़ा होना चाहिए। इसे आप अपनी पर्सनल जिंदगी में भी ले सकते हैं कि आप अगर शक्तिशाली हैं तो 1000 दोस्त आपके और 1000 लोग आपको साथ देने के लिए मिलेंगे। अगर आप कमजोर हैं तो आपके जो खास हैं वो भी मुंह मोड़ लेंगे, ठीक है, वो भी साथ छोड़कर चले जाएंगे। तो यही हाल है कि अगर हमारे भारत की स्थिति अच्छी ना होती तो शायद आज अमेरिका भी साथ देने में हिचक रहा होता और हमारी तरफ ना झुक रहा होता। हम आज आर्थिक संकट और कोरोना संकट में हैं और चारों तरफ से घिरे हैं, तो चीन भी चारों तरफ से घिरा है और संकट में भी है। इस समय कोरोना वायरस से कोई भी देश नहीं बच पाया है दुनिया का। लगभग सभी देशों ने इसका भुगतान करना पड़ा है, यानी कि भुक्तभोगी बैठे हुए हैं। अमेरिका तो कुछ ज्यादा ही इससे भुक्तभोगी बैठा हुआ है। इसमें चीन आप समझ सकते हैं कि बेहतर स्थिति में रहा है कि वहीं से इस कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई, उसी ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कदम बढ़ा चुका है। चीन आर्थिक विस्तार इतना ज्यादा कर लिया है चीन ने कि तमाम जगह अपने को आर्थिक रूप से फंसा लिया है। चीन आज लड़ाकू योद्धा नहीं बल्कि ऐसा व्यापारी बन गया जो अपने घर में और व्यापार की रक्षा के लिए सुरक्षा भी रखता है। नेपाल की अपनी जरूरतें हैं और मजबूरियां हैं, और जब जब हम अपनी तरफ से जाने वाली पाइपलाइन काट देंगे तो वो पानी पीने कहीं तो जाएगा ही। ये बात की जा रही है आपकी कुछ पुराने मुद्दे 2016 के मुद्दों को, जब हमने नेपाल का आपूर्ति रोक दी थी, आपने देखा होगा मुद्दा बना था। लेकिन लाख माओवादी शासन आ गया, ऊपर आज भी नेपाल हिंदुओं का देश है और पशुपतिनाथ जैसे से लेकर सीता माँ तक का घर भी है, और कई यहाँ पर बड़े राजघरानों का भी देखते हैं, सिंधिया का भी देखते हैं, यहीं से इनका रिलेशन बना हुआ है। इन लोगों के तो होते हुए उसे इतनी आसानी से और इतनी जल्दी भारत से काटा नहीं जा सकता है। नेपाल की अच्छी खासी निर्भरता भारत पर आज भी है, तो भारत की सेना में तैनात इतनी बड़ी संख्या में नेपाली गोरखा जहाँ हमारी फौज का मजबूत आधार है, वहीं यदि हम सोच सचेत नहीं रहे और चीजों को ठीक से नहीं देखा जा समझा तो आने वाले समय में आत्मघाती भी साबित हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि नेपाल का हमें हमेशा साथ देना चाहिए था। इनका कहने का मतलब इतना है क्योंकि जब आप समझ सकते हैं कि आप आपूर्ति रोकेंगे तो चीन तुरंत हाथ फैलाए बैठा हुआ है, और आप हर जगह देखिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए, ईरान को देख लीजिए, जहां से अमेरिका निकल रहा है चीन तुरंत एंट्री दे देता है, यानी कि एंट्री की उसकी चीन की दावेदारी वहां हो जाती है, प्रवेश हो जाता है। तो यही किया, जब भारत ने रोक दी आपूर्ति तो चीन तुरंत वहां से सामान भेजने लगा। पाकिस्तान की हकीकत सिर्फ इतनी है कि सेना के राज के कारण वो पिछड़ गया है, आर्थिक बदहाली का शिकार है और तमाम आर्थिक स्रोतों पर काबिज उसकी सेना और बड़े नेताओं तथा ठेकेदार लोगों की रुचि पाकिस्तान को बनाने में कम और दुनिया के दूसरे देशों में संपत्तियां बनाने और अपने परिवारों का वहां सुरक्षित इंतजाम करने से अधिक रही है। पर किसी भी पाकिस्तानी ने कहीं मुलाकात हो जाए तो वो भारतीयों से प्रेम से मिलता है। बांग्लादेश को पैदा करने और बनाने में भारत ने बहुत कुछ खोया भी है, और बांग्लादेश ने बंगाल और उत्तर पूर्व का हजारों साल का सांस्कृतिक और हर तरह का संबंध है, इसलिए उसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि चीन ने उसकी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देना ही नहीं शुरू किया बल्कि नीतियां ऐसी बनाई बनाई और टैक्स का ढांचा ऐसा बनाया कि बांग्लादेश तेजी से तरक्की कर रहा है, और यहां तक कि अन्य देशों का निराश और परेशान व्यापार बांग्लादेश पहुंचने लगा है, यहां तक कि भारत का भी, और नौबत यहां तक पहुंच गई है कि बांग्लादेश ने भारत को पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता का प्रस्ताव देने लायक खुद को मान लिया है। नागरिकता कानून की चर्चा के दौर में उसका जवाब मुकाबले पर खड़े देश वाला था। नागरिकता कानून की बहस और भारत के अंदर से प्रतिक्रियाओं और अन्य भी घटनाओं ने संयुक्त अरब अमीरात इत्यादि से विभिन्न आपत्तियों और आवाजों को उठाने को प्रेरित कर संबंधों और संभावनाओं और भविष्य को लेकर झोल पैदा कर दिया है। हर आदमी अब दुनिया की ग्लोबल को ग्लोबल विलेज कहता है, पर भारत में सोशल मीडिया और ट्रोल ग्रुप और दलों के आईटी सेल ये नहीं देख पाते कि दुनिया भी उन्हें देख रही है। हर देश की कुछ कमजोरियां हैं और अंतर विरोध भी हैं, पर दुर्भाग्य से भारत के दूतावासों ने और सभी खुफिया संगठनों ने पिछले कुछ सालों में
लगता है कि सिर्फ ऐश किया है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया है। यहाँ याद रखना होगा कि केवल नौकरशाहों द्वारा बड़ी चीजें नहीं की जा सकती हैं, और उसको वही कर सकता है जो नेतृत्व कर सकता हो और मजबूत एवं दूरगामी फैसले ले सकता हो। जब सरकार में बैठे लोगों की निगाह और लक्ष्य ऐसी चीजों की तरफ होता है और उससे गंभीरता होती है, तो वैसे ही लोग विभिन्न देशों और स्थानों पर लगाए जाते हैं और उन्हें पता होता है कि उनका उद्देश्य क्या है, क्या, क्योंकि उनको स्पष्ट निर्देश रहता है कि अगले कुछ सालों का लक्ष्य क्या है। सरकार भले ही बदल जाए पर देश का लक्ष्य नहीं बदलता। यह किसी देश की तरक्की और मजबूती की मुख्य बुनियाद है। इसलिए बुनियाद यह भी है कि सिर्फ चुनाव के 3/4 महीने, 3 से 4 महीने की कोई भी कर लें और बाकी देश दिनों विपक्ष भी अपनी धारदार भूमिका निभाए निभाए, चाहे जब चाहे जो हो, पर सभी मुख्य बड़े नेताओं, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व सेना अध्यक्ष और खुफिया विभागों के भी पूर्व काबिल लोगों की लगातार ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा, विचार विमर्श और सूचनाओं और भविष्य को की योजनाओं पर गोपनीय रणनीतियों का निर्धारण लगातार होता रहना चाहिए। यानी कि सीधा सा मतलब कहा जा रहा है कि जो आपके पुराने नेता हों, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों या फिर कोई आपके अधिकारी हों, पूर्व, उनसे समझौता करते रहना चाहिए। इसका कहने का मतलब इतना है, क्योंकि देश सबका है, लोकतंत्र है, तो कोई भी कभी भी सत्ता में हो सकता है, कोई भी विरोध में है, क्योंकि सभी के कुछ अनुभव भी हैं और कुछ भविष्य के सपने भी। तो देश उन सभी विचारों और नीतियों का लाभ क्यों ना पाए या उनसे वंचित क्यों रहे। आदर्श व्यवस्था तो रही है। नेपाल से लड़कर नहीं मिलकर और उसकी तथा वहां की समाज की जिंदगी में घुसकर जनता से जनता के संवाद को बढ़ाकर बहुत ठीक भी किया जा सकता है और हासिल भी किया जा सकता है। यानी कि सीधा सा कहने का मतलब है कि नेपाल से हमें लड़कर नहीं मिलकर काम करना है। पाकिस्तान के अंतर्विरोधों पर निगार भी और दखल भी। वहां की जनता चाहे बलूच हो या फिर सिंध या फिर भारत से गए लोग जो आज भी द्वयम दर्जे के नागरिक हैं, क्या हम उनको जोड़ सकते हैं? क्या हम उनकी आंखों में कुछ सपने जगा सकते हैं? और भी बहुत कुछ, पर उनका इस्तेमाल राजनीति के लिए करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ वोट हासिल करने के अलावा भूटान के बारे में थोड़े कम से समय की और दूसरी दूरी दूरगामी रणनीति तय करनी होगी। यानी कि सीधा सा मतलब है कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति को बदलना होगा। श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश के मामले में भी रस्ती या तो कमजोर पड़ी है या फिर ढीली पड़ गई है। हाँ, इतनी भी नहीं ना कि खिंच ना खिंच जाए कि टूट ही जाए। सिर्फ दलाई लामा को शरण देकर भूल जाना भी तो बड़ी भूल साबित हुई है। अगर पीओके पर दुनिया में चर्चा हो सकती है, फिलिस्तीन को मान्यता मिल सकती है और इजराइल को मान्यता मिल सकती है, तो बौद्ध धर्म तो पूरी दुनिया के तमाम देशों में है। तिब्बत की आज़ादी और दलाई लामा और इनके द्वारा लोगों के लिए चीन जमीन खाली करे, इस पर लगातार मुद्दा क्यों नहीं रह सकता है? यानी कि कहने का मतलब है इनका कि आपको तिब्बती जो दलाई लामा थे उनको शरण देकर भूलना नहीं था, इस मुद्दे पर उनकी सहायता करना था और चीन पर दबाव डालने की बात करनी थी हमें। ठीक है, हम लोग मानवता और लोकतंत्र के ठेकेदार हैं। तो तिनामिन चौक पर बच्चों पर टैंक चढ़ाए गए तब, या हांगकांग में जो आंदोलन चल रहा है उस पर हमारा देश और बड़े नेता मुखर क्यों नहीं है? तिब्बत बचाओ आंदोलन क्यों मरने दिया गया? सीधा सा मतलब है कि हमें चीन को चीनी सामानों का बहिष्कार करके नहीं रोकना था, हमें चीन के स्थानीय मुद्दों को उठाना जरूरी था। जैसे चाहे आपका हांगकांग का मामला हो, तिब्बती मामला हो, फिर चाहे आपका ताइवान का मामला हो, इसमें हमें दखलंदाजी देनी चाहिए थी। जिस तरह से आप देखते हैं पीओके वाले हिस्से में अन्य देश दखलंदाजी करते हैं, उसी तरह हमें भी देना चाहिए था। ठीक है, आसपास के देशों का ढीला ढाला महासंघ को ये सपना आप आसपास के सभी देशों की आवाम देखने लगे, इसके लिए सभी दल संयुक्त रूप से डा लोहिया के सपने पर काम क्यों नहीं कर सकते? इन चीजों के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और हो सकते थे और हो सकते हैं।
विभिन्न देशों के साथ मैत्री संघ और शैक्षिक संस्कृति आदान प्रदान के कार्यक्रम क्यों बंद हो गए, क्यों नहीं चलाए जा सकते हैं? और रणनीतिक रूप से, जहां तक अभी के हालात का सवाल है, तो उसे सरकार नहीं बल्कि देश का सवाल बना देना चाहिए। आर्थिक मोर्चे के लिए एक सर्वदलीय और सर्वकालिक जानकार लोगों का समूह बने, नेपाल के लिए एक समूह बने जिसकी उनकी उसकी जानकारी तथा वहां से अच्छे संबंध रखने वाले नेता किसी भी दल के, विदेश बड़े धर्म गुरु, नेपाल के एक्सपर्ट, विदेश सेवा के लोग, वहां काम कर चुके खुफिया विभाग के लोग इत्यादि समूह में शामिल हो। बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका सहित अलग अलग देशों के लिए ऐसा भी ऐसे ही समूह बने। पाकिस्तान के लिए उसके हैंडल कर चुके और सफलता से चीजों को अंजाम दे चुके लोगों का समूह बने। चीन के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल चीन से वार्ता करे और साथ ही साथ अपने क्षमता और रणनीति के अनुसार सेना अपना काम तत्काल शुरू करे। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LAC की बात कर रहा हूँ, का एक नक्शा तत्काल जारी करे, उसके अनुसार चीन को वापस जाने को मजबूर करे, अन्यथा फिलहाल जहां भारत के पक्ष में स्थितियां हैं वो उन इलाकों में उससे ज्यादा किलोमीटर अंदर तक जाकर बैठ जाए। साथ ही वियतनाम, जापान सहित जिन देशों से चीनी के हित टकराते हैं उन सभी देशों के लिए तत्काल मंत्री या पूर्व मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल भेजकर आक्रामक रणनीति अपनाने का संदेश दें। पर अब जो भी करना है मजबूती से करना है और स्थायी करना है। रूस, ईरान इत्यादि के साथ हुई गलती का सुधार भी जरूरी एजेंडा होना चाहिए। इस संकट में तो चुनाव और राजनीति संगठन लोग देखें, चाहे सत्ता हो या फिर विपक्ष पर सत्ता के पदों पर बैठे लोग, विपक्ष में बैठे ये जिम्मेदारियां निभा चुके लोग फिलहाल देश बनाने और बचाने के काम में जुटे। यानी का सीधा सा मतलब इनका कहा जा रहा है कि सब लोग मिलकर काम करें, क्योंकि ये देश यानी कि किसी राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं है चीन से, ये भारत देश की, भारत सरकार की लड़ाई है चीन से। ठीक है, तो इसमें आपके विपक्ष हो, चाहे आप पुराने अधिकारी हो, पुराने मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, फिर चाहे आपका प्रधानमंत्री, मंत्री जो भी रहे हैं, उन सबको मिलकर काम करना चाहिए, सबका साथ रहना चाहिए, तभी हम लोग इन आपदाओं से, यानी कहने का मतलब चीन भारत के रिलेशन से और नेपाल से सबसे अच्छे से बेहतर रिश्ते हो सकते हैं। ठीक है, भारत के अपने।